औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो आप लोगों के पास टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो आपके पास पहली प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको उस दिन भी एडिशन में बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ए मल्टीप्लाई बाई बी करें इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए कर लें। दोनों साइडों पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6। अगर जब हम उनको रिप्लेस करके देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ ऑल्सो 6 आ रहा है। तो हम ए मल्टीप्लाई बाई बी कर लें या बी मल्टीप्लाई बाई ए कर लें, आपके पास आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बाय इनटू बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इनटू मल्टीप्लाई बाय सी। कि आपके पास ब्रैकेट्स को जब आप 3 नंबरों और ब्रैकेट्स को आप इंटरचेंज कर लो तो आपके पास आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। अब आपके पास जो एग्जाम्पल है इसमें वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई बी की जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू 4। पहले हमने ब्रैकेट 3 और 4 में यूज़ की हुई है और राइट हैंड साइड पे ए मल्टीप्लाई बाई बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और सी की वैल्यू 4। मैथ्स का रूल आप लोगों को मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ब्रैकेट की चीज़ क्या होती है, पहले सॉल्व होती है। 2 अपनी जगह पे 4 3 जार 12 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज ऑल्सो 24 आ जाएगा। अब आपके पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या होता है कि आप ए मल्टीप्लाई बाई बी कर लें, ए भी रियल नंबर हो, बी भी आपके पास कोई रियल नंबर हो, तो आंसर जो आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। आपके पास आंसर जो आएगा वो भी आपके पास क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, 3 ऑल्सो नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू 6 आपके पास क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको मैंने पिछले दिनों एडिटिव आइडेंटिटी बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। आप 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपको आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 4। आप 1 को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है, याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। अगर वो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर है तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आपके पास एग्जांपल है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, और 3 1/3 कटिंग होकर आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है, लेकिन उसका साइन क्या होता है? चेंज होता है।